है कि आप किस तरह से किस पेशेंट को सही तरीके से इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा पाते हैं। तो दोस्तों पूरी वीडियो इसी पर बनी है और आप देख चुके हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करते हुए जाना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।